नमन एंड वेलकम बैक टू टेक गैजेट्स.com। तो गाइस कुछ दिन पहले मैंने एम आई सुपरबेस वायरलेस हेडफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिया था कि मुझे किस तरीके का हेडफोन लगा है और उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं इसको कुछ दिन यूज करूंगा, उसके बाद एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो जो है होने वाली है प्रॉपर इसका रिव्यू वीडियो, क्योंकि इसको जो है मैं करीब 2 हफ्तों से यूज कर रहा हूं और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी लिया होगा कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैंने टाइटल लिखा है, तो उसके क्या रीजंस है, क्यों मैंने ऐसा टाइटल इसके लिए यूज किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप ये हेडफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज गाइस ये वीडियो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको ये हेडफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो सबसे पहले इस हेडफोन के प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कुछ अच्छे पॉइंट्स जो भी मुझे इस हेडफोन के लगे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है हमें दे देता है। अब अगर सबसे पहले अगर बात करूं इसके बैटरी लाइफ की, तो गाइस Xiaomi ने क्लेम किया था कि 20 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है हमें इसमें मिलता है। तो गाइस सीरियसली बोलूं तो 20 आवर्स का तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, बट फिर भी लाइक 15-16 आवर्स तक ये आराम से दे देता है। जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो इसको मैंने कम से कम 2-3 दिन तक चार्ज नहीं किया था और आराम से जो है ये हेडफोन मेरे को अच्छा बैटरी लाइफ दे दिया था। उसके बाद मैंने इसको चार्ज किया और करीब करीब डेढ़ से 1 घंटे 45 मिनट के करीब जो है इसने चार्जिंग टाइम लगाया, लेकिन उसके बाद इसने बैटरी बैकअप जो है वो आराम से 15-16 घंटे तक का दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसको जो है मैं अराउंड 80-90% वॉल्यूम पे ही इसको सुना है, तो उस हिसाब से जो है बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी बढ़िया इसने दी है। अब अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी डिज़ाइन की, तो गाइस ये हेडफोन जो है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक का है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई चीप प्लास्टिक इसमें यूज आया, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। काफी अच्छा प्लास्टिक जो है इसमें यूज किया गया है, पूरी तरीके से जो है आपको अच्छी फिनिशिंग वगैरह मिल जाती है। Xiaomi ने जो है फिनिशिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। अगर आप ध्यान दें तो भाई यहाँ पे आपको ईयरकप्स में भी जो है रेड से कलर की रिंग मिल जाती है, साइड से आपको मैट सा कलर का जो है आपको डिजाइन मिल जाता है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इस प्राइस रेंज में, आई थिंक सबसे अच्छा और गुड लुकिंग हेडफोन जो है हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें है आपको 40mm का डायनेमिक ड्राइवर मिल जाएगा और मेरा जो पर्सनल फेवरेट फीचर इस हेडफोन में लगा है वो इसकी साउंड क्वालिटी ही लगी है, क्योंकि इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, इसको सुना था, तो मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि इसमें जो आपको बेस मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। लाइक इस प्राइस रेंज में ये काफी बढ़िया बेस आपको दे देता है, तो अगर आप बेस वाले सॉन्ग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं तो ये जो हेडफोन है काफी अच्छा ऑप्शन है आपको इस प्राइस रेंज में। अब अगर बात करूं कि भाई किस तरीके का बाकी का साउंड है, लाइक बैलेंस साउंड है या ट्रिबल वगैरह आपको कैसे मिलता है, तो गाइस बेस के मामले में काफी बढ़िया है। इसका नाम ही एम आई सुपर बेस है तो बेस लोग काफी बढ़िया ये दे देता है, लेकिन अगर बात करूं ट्रिबल वगैरह की तो वो जो है इतना कोई ज्यादा खास मुझे लगा नहीं है सच बताऊं तो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल सॉन्ग सुन रहे हैं तो नॉर्मल सॉन्ग में ऐसा होगा कि उसमें अगर बेस नहीं भी है तब भी ये बेस जो है जनरेट कर देता है, तो ये जो है मुझे थोड़ी सी इसमें लैग लगा है। बाकी ओवरऑल अगर आप बेस लवर है, आपको बहुत तेज और लाउड सॉन्ग सुनना पसंद है, तो ये हेडफोन काफी बढ़िया है। अगर आपको बैलेंस सॉन्ग सुनना पसंद है, लाइक जिसमें आपको नॉर्मल बेस मिले, नॉर्मल ट्रिबल मिले, तो ये हेडफोन आप लोगों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं इसके ऐसे फीचर्स के बारे में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, और ये जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के लिए। तो गाइस अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, यानी कि अच्छा ब्लूटूथ आपको इसमें मिलता है। लेकिन जब मैंने इसको कॉल क्वालिटी के लिए यूज किया तो भाई इसकी कॉल क्वालिटी मुझे 80-85% तक अच्छी लगी, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे कभी जो है तेज बोलना पड़ रहा है तब जाके मेरी आवाज पहुंच पा रही है सामने वाले तक। और अगर मैं बात करूं म्यूजिक के टाइम पे कि भाई इसको मैंने म्यूजिक के लिए भी यूज किया और आराम से हेडफोन रखा, उसके बाद मैं इधर उधर घूमा, तो तब मुझे कोई ऐसा कनेक्शन लॉस की दिक्कत नहीं हुई, म्यूजिक एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन सबसे मेजर दिक्कत जो है मुझे पबजी के टाइम पे हुई, जब मैंने इसको पबजी के लिए यूज किया है। तो गाइस बहुत सारे ब्लूटूथ ईयरफोन मैंने यूज किए तो सब में जो है आपको कुछ नैनो सेकंड का ही फर्क मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको कम से कम 1.5 से 2 सेकंड तक का फर्क मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। लाइक इतने में तो भाई आपका काम ही लग जाएगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो ये इतना कोई अच्छा डिवाइस निकल के बाहर नहीं आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑक्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप गेमिंग के टाइम पे जो है केबल का यूज कर सकते हैं, तो आप केबल लगा के आराम से पबजी खेलेंगे तो आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उसके ऐसे फीचर के बारे में जिसके कारण मैंने टाइटल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लिखा है डोंट बाय एम आई सुपर बेस, वो ये है कि भाई इसका जो कंफर्ट और फिट है बहुत ही ज्यादा इससे डिसअपॉइंट हुआ। इस हेडफोन को आप करीब करीब 5 से 10 मिनट बाद इसको आप नहीं पहन सकते हो, रेगुलर नहीं पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइट आपको इसमें मिलता है। अगर आप इसको हेड पे पहनते हो तो आपके कान वगैरह में जो है
है, दर्द होने लगता है या फिर इचिंग वगैरह स्टार्ट होने लगती है। तो इस तरीके का जो है इशू हमें इसमें मुझे फेस करने को मिला है। इसको करीब मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको एडिटिंग के लिए यूज़ किया, नॉर्मल म्यूज़िक के लिए यूज़ किया, 10 मिनट बाद ही जो है मेरे कान वगैरह दुखने लगते हैं या फिर मेरा सर दुखने लगता है या मुझे एक साइड का निकालना पड़ता है, इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हेडफोन का मेन मतलब ही भाई कंफर्टेबल होता है। साउंड के मामले में अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे होता तो चल जाता, या फिर कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा बहुत नीचे होता तो चल जाता। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी हेडफोन में होता है वो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आपको जो है इतना बड़ा आप सर पे लगा के रखते हो तो कंफर्टेबल आपको अच्छा खासा देना चाहिए था, लेकिन इस हेडफोन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया है। तो भाई कंफर्टेबल के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा है। तो गाइज़ ये थे कुछ रीज़न जो आप लोगों को बताने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि आप लोग जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उस बेसिस पे मुझे आप लोगों को जो है पूरे अच्छे तरीके से जेन्युइन रिव्यू इसका देना था, क्योंकि इस हेडफोन को लेके बहुत से लोग इंटरेस्टेड है कि भाई Xiaomi की तरफ से हेडफोन है, कम प्राइस में मिल रहा है। तो भाई कम प्राइस में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ही अच्छी होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल की, लाइक इसकी साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया मुझे लगी है। इस प्राइस रेंज में कोई भी हेडफोन नहीं दे रहा है, अच्छा सब कुछ है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन वगैरह भी, लेकिन इसका कम्फर्ट जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और जो कि मेरे हिसाब से हर हेडफोन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी जो है 10 मिनट के लिए कोई भी हेडफोन यूज नहीं करता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करता है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया तो मुझे लगा कि यार अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए ऐसा पेन हो रहा है, लेकिन रेगुलर इसको 2 हफ्ते तक यूज करने के बाद भी मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि भाई ये हेडफोन में कि कंफर्टेबल में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, वो ये कि भाई हमारे चैनल का नेक्स्ट गिव अवे जो होने वाला है वो काफी जल्दी होने वाला है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं गिव अवे की वीडियो आप लोगों के लिए डालूं तो आप लोगों को नोटिफाई हो सके, तो आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाएं। उसके साथ साथ जो भी हमारे प्रीवियस गिव अवे विनर्स थे उनके पास प्रोडक्ट पहुंच चुका है, जिसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे जो है अपडेट कर चुका हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे आप वहां जाके डीएम कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, तो आप वहां जाके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के लाइक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, ताकि ऐसी वीडियो जो है आप लोगों के लिए फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे तरीके से लेकर आ सकूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।